हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेस नंबर को कैसे रेशनलाइज करते हैं वो पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर रिटन किए गए, 1/√5, डिनोमिनेटर में √5। कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में वैल्यू नहीं रिटन करते हैं तो उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो वो नंबर्स जो भी है वो डिनोमिनेटर में रूट रिमूव हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको इस √5 का रेशनलाइजेशन करने के लिए √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर देंगे। जब √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हालांकि ये जो भी नंबर है हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये सारे कट जाएंगे, 1/√5 ही बचेगा। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√5 में मल्टीप्लाई करेंगे √5 आएगा, और नीचे √5 का √5 में सेम नंबर का सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट गायब हो जाता है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिनोमिनेटर में रूट रिमूव हो गया, तो हम कह देंगे कि इसका ये रेशनलाइजेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर दैट यहाँ पे है 1/√3 प्लस √2, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो इसके रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर रिटर्न किया गया है डिनोमिनेटर में वही नंबर रिटर्न करेंगे, बस साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर प्लस लिखा है तो माइनस कर देंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे ताकि ये इक्वेशंस बैलेंस रहे। अभी ये दोनों कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर्स पे। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम √3 को ए कंसिडर कर लेते हैं, √2 को बी, पहले इनको रिटर्न कर लेते हैं, √3 प्लस √2 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन टू सेकेंड ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। √3 को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, √2 को बी, तो यहाँ पर लिखा है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, यहाँ पे रिटर्न किया गया है इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट्स एंड ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, हाँ सेट हो रहा है। ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है, एज इट इज रिटर्न कर लेंगे। डिनोमिनेटर को हम रिटर्न कर लेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, √3 माइनस √2, सेम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट रिमूव हो जाता है, सेम वैसे 2 के साथ होगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा √3 माइनस √2। यहाँ से बाई वन आएगा तो 1 का कोई सेंस नहीं होता है, तो ऑनली √3 माइनस √2। अब डिनोमिनेटर में क्या हो गया, सारे रूट्स गायब हो गए, तो इसको कहेंगे कि ये रेशनलाइज परफेक्टली हो गया है। हम क्यों माइनस से ही मल्टीप्लाई किए हैं, अगर हम यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab भी आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो रूट गायब हो जाएंगे बट 2ab कंसिडर, अगर हम इसको √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कर देते तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर मीन्स 3, बी स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 2ab, ए की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू √2, तो 3 2 ऐड हो जाएंगे, बस ये हो जाएगा 2, √3 का √3 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। यहाँ पर क्या हुआ, डिनोमिनेटर से कभी भी रूट रिमूव नहीं होगा, √6 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, इसीलिए हमेशा अगर यहाँ पर प्लस होगा डिनोमिनेटर में तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर ये क्वेश्चन, 1/√2 माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ नंबर है माइनस लगा हुआ है तो इन्हीं का रिवर्स ले लेंगे, बस माइनस के प्लस पे प्लस का मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड दोनों काम साथ में करेंगे ताकि नंबर्स पर कोई फर्क ना पड़े। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2√2 माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट इन टू इन सेकेंड ब्रैकेट 2√2 प्लस 1। यहाँ पर भी 2√2 को हम ए कंसीडर कर लेते हैं और 1 को बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, सेम फार्मूला यहाँ पर भी बन रहा है, ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इन टू ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिटर्न कर लेंगे,
तो आ जाएगा टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स टू रूट टू का स्क्वायर। पहले देख लेते हैं टू रूट टू कैसे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं टू रूट टू का हमें स्क्वायर करना है, तो केवल रूट का स्क्वायर नहीं करेंगे, कम्प्लीटली ए के प्लेस पे टू रूट टू है तो टू रूट टू का स्क्वायर करेंगे। तो ये जो पावर है पहले टू के पावर में लगाएंगे, इन टू लिखेंगे, फिर रूट टू के भी पावर में लगाएंगे। टू के पावर में करेंगे तो फोर आ जाएगा, टू टू जा, और रूट टू का स्क्वायर केवल टू मिलता है, फोर टू जा एट। इट मीन्स टू रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो एट आएगा। तो हम यहाँ रिटर्न कर लेंगे टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न कर लेते हैं टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू का होल स्क्वायर सॉल्व किए हैं, एट आया है। यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे एट माइनस वन, एट में से वन माइनस हो जाएगा, कर लेंगे टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई सेवन। अब क्या हो गया, डिनोमिनेटर से सारे रूट रिमूव हो गए। जब सारे रूट गायब हो गए इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन हो गया है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वन अपान थ्री रूट टू प्लस रूट टू। इसमें क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रूट टू और रूट टू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का वेरिएबल सेम है। रूट टू यहाँ भी है, रूट टू यहाँ भी है, तो ऐड करेंगे थ्री और वन। पहले सिंपल नंबर ऐड करेंगे, थ्री और वन ऐड करेंगे, फोर आएगा और रूट टू, आंसर आ जाएगा फोर रूट टू, फोर रूट टू, ये आंसर हो गया। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। फोर से भी कर सकते हैं बट उसका ज़रूरत नहीं, क्यों, वो कट जाएंगे इसलिए। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू आ जाएगा। डिनोमिनेटर का करेंगे, फोर पहले से है, रूट टू का रूट टू में और मल्टीप्लाई करना है। रूट टू का रूट टू में मल्टीप्लाई करते हैं तो टू वहाँ पर बचेगा, फोर रूट टू का रूट टू में टू आ जाएगा। रूट टू ऊपर है, फोर का टू में टेबल पढ़ लेंगे, फोर टू या एट, तो आंसर आ जाएगा रूट टू अपॉन एट। डिनोमिनेटर से सारे रूट गायब हो गए, इट मीन्स इसका रेशनलाइजेशन हो गया।